नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में बहुत हलचल है। एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने को तैयार है। लिहाजा आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी की अलग अलग बैठकें चल रही है। खबर आ रही है कल जेडीयू की बैठक है, बैठक के बाद इस्तीफे का ऐलान हो सकता है। परसों यानी कि 28 जनवरी को शपथ हो सकता है, जिसमें नीतीश पाला बदल करके फिर से एक बार एनडीए के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये आखिरकार बीच क्यों पड़ा, ये सबको पता है कि किस तरीके से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से तेजस्वी यादव सिस्टम पे हावी हो रहे थे। नीतीश को ये बात बुरी लग गई। इधर जो है, जैसे ही पूरा देश राममय हुआ, उन्हें दिखा कि यदि बीजेपी के साथ जाते हैं तो लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्यों सीटों को लेकर के भी खींचतान चल रही थी आरजेडी के साथ। इसी बीच में उन्होंने अपना मन बदला, एक बार फिर से बीजेपी से बातचीत शुरू हुई और बन गई है बात। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि न जाने कितनी बार अभी तक वो पलटी मार चुके हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव ने कभी उन्हें पलटू चाचा कहा था। कब कब नीतीश कुमार जो है पलटी मारे हैं, इसी के इतिहास पे जरा एक बार गौर करेंगे। 1994 तक वो जनता दल की राजनीति लालू यादव के साथ किया करते थे। 1994 में कहते हैं कि एक बार लालू यादव और नीतीश कुमार बैठ करके बात कर रहे थे, कोई बात लालू प्रसाद यादव की नीतीश को अखर गई, उन्होंने उनका साथ 1994 में छोड़ दिया था और फिर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर के समता पार्टी बना ली थी। 1996 में बीजेपी से उन्होंने समझौता कर लिया और गठबंधन कर लिया, फिर ये गठबंधन 2013 तक चला था। जैसे ही 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को आगे किया, वैसे ही नीतीश कुमार भी दब गए और उन्होंने फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया और 2014 का चुनाव हुआ जिसमें जेडीयू बुरी तरीके से हारी। फिर उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। फिर वो जब अकेले पड़ने लगे हार के बाद, उन्होंने लालू यादव को फ़ोन किया और ये बोला कि अकेले पड़ गए हैं, कहे कि आओ साथ मिल जाते हैं। दोनों साथ मिल गए। 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, गठबंधन से वो चुनाव जीते, फिर मुख्यमंत्री बने और ये चलता रहा सिलसिला 2 साल लगभग, 2017 तक। 2017 में लालू यादव के बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। दोनों मंत्री हुआ करते थे, तेजस्वी और तेज प्रताप। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण दीजिए, बहाना खोजा और फिर जो है वहाँ पे मार दिया। 2017 में पलटी आ गए बीजेपी के साथ, फिर बन गए मुख्यमंत्री। 2020 में चुनाव होता है, 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। बीजेपी के साथ उसी समय बीच पड़ने लगा था, लेकिन किसी तरीके से घूंट भी करके रह गए थे। उनकी सीटें कम हो गई, कम 42-43 सीटें आई। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं खींचा। 9 अगस्त 2022 को उन्होंने फिर पलटी मारी और फिर वो चले गए लालू यादव के साथ, वहाँ गठबंधन में शामिल होकर के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद क्या होता है कि ये 2020 की बात है और चुनाव हुआ, चुनाव के बाद वो सरकार चलाए और 22 में चले गए उनके साथ और फिर एक बार 24 में पलटी मारे, मतलब कागार पे हैं और पलटी मार करके आ रहे हैं एनडीए के साथ। फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर सरकार चलाएंगे और ये है नीतीश कुमार का पलटने का इतिहास। रहिए खबर, देखते रहिए इन खबर।